गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू विद्याशम पब्लिक यूट्यूब चैनल। एंड आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं हमारे पास में केमिकल बॉन्डिंग चैप्टर 4 का पार्ट 4 हम लोग स्टार्ट करेंगे। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, जिसको हम शॉर्ट में VBT के नाम से जानेंगे। ओके, क्या है देखिएगा इसके अंदर। इट वॉज प्रेजेंटेड बाय हिटलर एंड लंडन टू एक्सप्लेन हाउ अ कोवेलेंट बॉन्ड इज फॉर्म्ड। इट वॉज एक्सटेंडेड बाय पॉलिंग एंड स्टेल्टर। इट मीन हमारे पास में क्या था, जो हिटलर एंड लंडन जो हमारा साइंटिस्ट है, उन्होंने इसको क्या था, कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन को अपना एक थ्योरी है VBT, तो उसे इसको अपना एक्सपोज किया, समझाया, और उसको जो एक्सटेंड किया था वो पॉलिंग एंड स्लेटर ने किया था। ओके, अब क्या होता है इसके अंदर देखेंगे। द मेन पॉइंट्स ऑफ थ्योरी आर टू फॉर्म अ कोवेलेंट बॉन्ड। Overlapping occurs between half-filled valency shell orbital of the two atoms. Okay, mean ये जो हमारे पास में बनने वाला है, okay, covalent bond जो यहाँ पर formation होगा, according to Hitler and London, उसने क्या बताया, जो half-filled orbitals हमारे होते हैं उसके अंदर part करेंगे। Resultant bond acquire a pair of electron with opposite spin to get stability. और इसमें क्या होता है, opposite जो pair होता है, मतलब जो electron pair होता है, अपोजिट स्पिन वाला इसके अंदर होता है, और वो क्या कहता है, स्टेबिलिटी को बढ़ाता है। ऑर्बिट कैम क्लोजर टू ईच अदर फॉर्म द डायरेक्शन इन विच देर इज़ अ मैक्सिमम ओवरलैपिंग, और वो मैक्सिमम ओवरलैपिंग करेंगे। सो कोवेलेंट बॉन्ड हैज़ डायरेक्शनल कैरेक्टर, मतलब ओवरलैपिंग किधर होगा। सपोज जैसे हमारे पास ये पी ऑर्बिटल है, ये वाला, ओके, एक ये वाला पी ऑर्बिटल है हमारे पास, और एक ऑर्बिटल हमारा ये वाला है, पी वाला, ठीक है। तो ये जो पी ऑर्बिटल है यहाँ पर, ये क्या होता है, ये दोनों पी ऑर्बिटल मिलके, ये पी ऑर्बिटल, ये पी ऑर्बिटल इधर शिफ्ट होता है, ये वाला पी ऑर्बिटल इधर वाली इधर साइड में शिफ्ट होगा। इस तरीके से शिफ्ट होकर के ये क्या करेंगे, पी ऑर्बिटल यहाँ पर ओवरलैप करेंगे, ओके। फिर ये पी ऑर्बिटल जो डंबल शेप है, ये एस के साथ जाएगा, तो ये इसकी जो ओवरलैपिंग होगी इसके कंपेयर में थोड़ा कम होगा। और ऐसे ही जो एस दोनों ऑर्बिटल जब पास आएंगे, ये इस डायरेक्शन में और ये वाला इस डायरेक्शन में, तो ये एस ओवरलैपिंग होगा, ये बहुत ही कम होगा। तो इसके अकॉर्डिंग अगर हम बात करें ऑर्डर ऑफ स्ट्रेंथ ऑफ को एक्सल ओवरलैपिंग, तो पी ऑर्बिटल्स का सबसे ज़्यादा होता है, देन SP, देन SS ऑर्बिटल का होगा, ओके। नेचर ऑफ ऑर्बिटल, PD एंड F आर डायरेक्शनल ऑर्बिटल, ये डायरेक्शनल ऑर्बिटल होते हैं क्योंकि इनके अंदर P डंबल शेप, D डबल डंबल शेप, और F कॉम्प्लिकेटेड होता है, तो इसके अंदर भी डायरेक्शन होंगे, मोर ओवरलैपिंग करेंगे। S ऑर्बिटल क्या होता है, नॉन डायरेक्शनल होता है, लेस ओवरलैपिंग होगी इसके अंदर। नेचर ऑफ ओवरलैपिंग, को एक्सल ओवरलैपिंग होती है, तो एक्सटेंट ओ ओवरलैपिंग मोर, मतलब इसमें एक्सल पे अगर ये ओवरलैपिंग हो रही है तो ओवरलैपिंग सबसे ज़्यादा होती है, ओके। और को लेटरल, अगर लेटरल साइड में इसका ओवरलैपिंग होगा तो वो एक्सटेंट ओवरलैपिंग लेस होगा, मतलब वो ओवरलैपिंग क्या होगी, बहुत मिनिमम होगी, ओके। एज अ वैल्यू ऑफ इंक्रीज इज बॉन्ड स्ट्रेंथ डिक्रीज, मतलब ये 1-1, 1-2, 2-2, 2-3 एंड 3-4, इस तरीके से इनका बॉन्ड जो होता है, बॉन्ड मेकिंग जो होगी ना, उसके अकॉर्डिंग, मतलब नंबर ऑफ बॉन्ड, जैसे सिंगल सिंगल बॉन्ड है, 1-1 इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग है, इधर 1-2 बॉन्ड का है, 2-2 बॉन्ड होता है, 2-3 बॉन्ड होता है, इस तरीके से इनका बॉन्ड स्ट्रेंथ इंक्रीज होता है, ओके। आगे अपन बात करते हैं इसके अंदर, यहाँ पर टू टाइप ऑफ बॉन्ड्स आर फॉर्म्ड एन अकाउंट ऑफ ओवरलैपिंग, सिग्मा बॉन्ड एंड पाई बॉन्ड यहाँ पर हमारा बनता है, ओके। तो सिग्मा बॉन्ड कैसे बनेगा, सिग्मा बॉन्ड यहाँ पर क्या होता है, SS ओवरलैपिंग जब होता है, S ऑर्बिटल ये वाला और S ऑर्बिटल ये वाला दोनों हाइड्रोजन के ऑर्बिटल मान लेते हैं, तो ये दोनों ओवरलैप करके क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन शेयर करेंगे, एंड फाइनली क्या बनेगा, यहाँ पर हमारा एक सिंगल बॉन्ड फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाएगा। बॉन्ड फॉर्म बिटवीन टू एटम बाय द ओवरलैपिंग ऑफ हाफ फिल्ड ऑर्बिटल अलोंग देयर एक्सिस एंड टू एंड ओवरलैप इज कॉल्ड सिग्मा बॉन्ड। मतलब हमारे पास क्या होता है यहाँ पर, SS जो SS ऑर्बिटल जब दोनों वन साइड के पास आएंगे, हाइड्रोजन का 1s इधर आएगा और अदर हाइड्रोजन का भी 1s इधर आएगा, तो जो ओवरलैपिंग होगा इधर, ओके, ये हमारा क्या बनाएगा, इधर हाइड्रोजन मॉलिक्यूल। सिग्मा बॉन्ड इज डायरेक्शन, जो सिग्मा बॉन्ड यहाँ पे फॉर्मेशन होता है सिंगल बॉन्ड के अंदर, वो क्या होता है, डायरेक्शनल होता है। सिग्मा बॉन्ड डू नॉट टेक पार्ट इन अ रेजोनेंस, ये रेजोनेंस के अंदर पार्ट नहीं करें, रेजोनेंस नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, उसको वहाँ स्टडी करेंगे। फ्री रोटेशनल इज पॉसिबल अबाउट अ सिंगल बॉन्ड, क्यों, एक्चुअली में क्या होता है, जो सिंगल बॉन्ड जब फॉर्मेशन होगा तो हम लोग क्या करते हैं, फ्री रोटेशन वहाँ पर कर सकते हैं, इसको हम आगे स्टडी करेंगे एक बार। मैक्सिमम ओवरलैपिंग इज पॉसिबल बिटवीन द इलेक्ट्रॉन क्लाउड एंड हैंस इट इज़ अ स्ट्रॉन्ग बॉन्ड, जो सिग्मा बॉन्ड होता है उसके अंदर मैक्सिमम ओवरलैपिंग होती है और यहाँ पर क्या बनता है, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड फॉर्मेशन होगा। देयर कैन बी ओनली द सिग्मा बॉन्ड बिटवीन टू एटम, ओके, यहाँ पर क्या होगा, ओनली हमारा सिग्मा बॉन्ड फॉर्मेशन होगा। फॉर एग्जाम्पल किसका है, हाइड्रोजन का, ओके, ये हाइड्रोजन है
ये हाइड्रोजन है, दोनों ने एक एक इलेक्ट्रॉन को यहाँ पर क्या किया, शेयरिंग किया। लाइक दिस, देखिएगा कैसे होता है। सपोज ये हाइड्रोजन है, इसके पास एक इलेक्ट्रॉन ये रहा, अदर हाइड्रोजन है, इसका वन इलेक्ट्रॉन ये रहा, ये इसकी शेयरिंग हो गई और ये वाली इसकी शेयरिंग हो गई। ऐसे करके क्या बनेगा यहाँ पर है कि ये सिंगल बॉन्ड फॉर्मेशन हो जाता है। ओके, आगे देखिएगा नेक्स्ट क्या है इसके अंदर। ओके, लेट वी टॉक अबाउट पीवी ओवरलैपिंग की हम लोग बात करते हैं यहाँ पर अब। ओके, देखो कैसे होगा, एस और पी और है ना, पहले हम लोगों ने एस एस का बात किया है। लेट वी टॉक अबाउट ओनली एस एंड पी ऑर्बिटल। एस ऑर्बिटल क्या होता है यहाँ पर, स्फेरिकल होगा, वन एस हाइड्रोजन का होता है जो, और पी हमारा टू पी हम किसका लेंगे, फ्लोरीन का लेंगे। अब ये वाला जो हमारा है नॉन डायरेक्शनल होता है, बट ये किधर मूव करेगा, ये इस साइड मूव करेगा, ठीक है। और ये जो हमारा डंबल शेप है ये किधर मूव करेगा, ये इस साइड मूव करेगा। देन फाइनली ये क्या होंगे, अट्रैक्ट ईच अदर एंड ओवरलैप टू ईच अदर, एक दूसरे को ओवरलैप करेंगे। वन हाइड्रोजन इसने यहाँ पर डोनेट किया है, दूसरा हाइड्रोजन इसने यहाँ पर डोनेट किया है। तो हाइड्रोजन हाइड्रोजन का और फ्लोरीन का अपन ऐसे समझते हैं, वन वन इलेक्ट्रॉन यहाँ पर शेयर होता है। ओके, और क्या फाइनली क्या बन जाएगा, एच बॉन्ड एफ बनता है। ओके, बॉन्ड बिटवीन टू हाइब्रिड ऑर्बिटल्स, sp3 sp2 sp2 sp3 sp2 sp3 sp, एसेट्रा। इस तरीके से हमारा क्या होता है, यहाँ पे हाइब्रिड ऑर्बिटल यहाँ पे बनकर स्टार्ट हो जाता है। लेट वी टॉक अबाउट, यहाँ पे हम लोग बात करते हैं C2H2। C2H2 क्या होता है, C2H2 आपका इस तरीके से बनेगा यहाँ पर, H H C डबल बॉन्ड C H एंड H। देखिएगा यहाँ पर डबल बॉन्ड है ना, इसमें मतलब इथीन बनेगा ये हमारा, क्या बनेगा, इथीन। इथीन में क्या होता है हमारे पास, यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, ये कार्बन एटम है हमारा, यहाँ पे सेंटर में कार्बन एटम होता है, अदर कार्बन एटम हमारा यहाँ होगा। ओके, कार्बन कार्बन में यहाँ पर पहले क्या होता है, सिंगल बॉन्ड से ओवरलैपिंग होगा। ओके, तो सिंगल बॉन्ड से जब ओवरलैपिंग होगा तो एक बॉन्ड तो यहाँ पे सिग्मा बनेगा, देन आफ्टर एक बॉन्ड और यहाँ फॉर्मेशन होता है लाइक दिस, ये ऐसे अपन बोल सकते हैं इसको। ओके, इस तरीके से इसको बोल सकते हैं अपन यहाँ पर। तो ये क्या बनेगा, एक और जो बॉन्ड यहाँ पे फॉर्मेशन होगा वो कौन सा होगा, पाई बॉन्ड। इट मीन हमारे पास जो डबल बॉन्ड होता है, डबल बॉन्ड में एक सिग्मा बॉन्ड होता है और एक कौन सा होता है, पाई बॉन्ड होता है। ओके, पीपी ओवरलैपिंग, पीपी में दोनों क्या है यहाँ पे, बोथ ऑफ हमारे पास डबल शेप है, इसका ये शेप इसका ये शेप, ये दोनों एक दूसरे के पास आएंगे ऐसे, अट्रैक्शन होगा इनमें, पीपी ओवरलैप करेगा। ओके, इस तरीके से बॉन्ड फॉर्मेशन यहाँ पर होता है। पी हमारे पास में है सेकेंड पॉइंट इसका, पाई, पाई बॉन्ड फॉर्मेशन। द बॉन्ड फॉर्म्ड बाय द साइड वाइज मीन लेटरल ओवरलैपिंग आर नोन एज पाई बॉन्ड। इसमें लेटरल क्या होगा हमारा, पाई बॉन्ड फॉर्मेशन होता है। लाइक कैसे हमारे पास, देखिए ये एक हमारे पास में लोब है और दूसरा लोब हम लोगों ने ऐसा बनाया, लोब LOBE लोब। ओके, तो ये यहाँ पर और ये यहाँ पर, जब इस तरीके से लेटरल यहाँ पर क्या होगा हमारे पास में, साइड वाइज लेटरल ओवरलैपिंग होता है, तो यहाँ पर एक सिंगल पाई बॉन्ड फॉर्मेशन होता है। द बॉन्ड फॉर्म्ड बाय द साइड वाइज लेटरल ओवरलैपिंग आर नोन एज पाई बॉन्ड। लेटरल ओवरलैपिंग इज ओनली पार्शल, सो बॉन्ड फॉर्म्ड आर वीकर एंड हैंस मोर रिएक्टिव देन अ सिग्मा बॉन्ड। रिपल्शन बिटवीन न्यूक्लियस इज मोर एज ऑर्बिटल हैव टू कम मच क्लोज टू ईच अदर फॉर पाई बॉन्ड फॉर्मेशन। इसका एक्सप्लेन है फॉर्मेशन ऑफ ऑटो बॉन्ड। जो ऑटो है, ऑटो में क्या होता है आपको देखा होगा, ये डबल बॉन्ड इस तरीके से फॉर्म होता है, एक इसमें सिग्मा बॉन्ड होता है और एक क्या होता है इसके अंदर, पाई बॉन्ड होता है, ठीक है। तो ऑटो के अंदर क्या होता है हमारे पास में, पी ऑर्बिटल्स होते हैं, ये दोनों पी पी ऑर्बिटल एक्सल ओवरलैपिंग होगी तो कौन सा बॉन्ड बनेगा, सिग्मा, और लेटरल ओवरलैपिंग होगी तो कौन सा बनेगा, पाई। इस तरीके से इनका फॉर्मेशन हो जाता है, ठीक है, डन। इसमें फ्री रोटेशन प्रेजेंट नहीं होगा, लिखा हुआ है फ्री रोटेशन अबाउट पाई बॉन्ड इज नॉट पॉसिबल, पाई बॉन्ड इज वीकर देन सिग्मा बॉन्ड होता है, पाई बॉन्ड आर नॉन डायरेक्शनल, सो डू नॉट डिटरमाइन द शेप ऑफ अ मॉलिक्यूल। मतलब आपको पाई बॉन्ड से शेप पता नहीं चलेगा। पाई बॉन्ड टेक्स पार्ट इन अ रेजोनेंस एंड पाई बॉन्ड फॉर्म बाय अ प्योर और अनब्राइट अनहाइब्रिड ऑर्बिटल। पाई बॉन्ड क्या होता है, प्योर होगा और अनहाइब्रिड ऑर्बिटल से ये यहाँ पे फॉर्म होता है। ओके, ठीक है, ओके, अब नेक्स्ट टॉपिक हम लोग स्टार्ट करेंगे, नेक्स्ट अपना पार्ट 5 के अंदर। थैंक यू।